हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? अगर आप लोग मेरे ब्लॉग देखते आ रहे हो तो आप लोगों ने देखा होगा कि मैं अभी फिलहाल मैं गाजा में हूँ, स्पीति वैली। और अभी जो आप मेरे पीछे वैली की तस्वीरें देख रहे हैं, ये है पिन वैली, जो गाजा से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर है। तो आज यहाँ पे हम लोग एक पिन मोनेस्ट्री है वहाँ जाने वाले हैं, लेकिन रास्ता इतना खूबसूरत है कि इसको देखे उसको वहाँ पे रुके बगैर रहा नहीं गया। तो मैं सोचा क्यों ना आपको मैं खूबसूरती दिखाऊं। बगल में स्पीति नदी बह रही है, आपको चारों तरफ देखो पहाड़, खूबसूरत पहाड़ हैं। मैं ये लगभग कह लो आप पिन मोनेस्ट्री से 10 किलोमीटर की दूरी पर होगा अभी, और वो वहाँ मेरी नेक्सॉन खड़ी है, बहुत साथ दिया है इसने अभी तक। मतलब मैं बता सकता हूँ आपको, इस गाड़ी से ऐसे ऐसे रास्ते पे हम लोग गए हैं, जो आप अगर मनाली से स्पीति वाला रास्ता अगर आप आओ, मनाली से गाजा वाला रास्ता बेहद ख़राब है, वो रास्ता ही नहीं है बेसिकली। आप अगर देख रहे हैं मेरा वो वाला ब्लॉग तो वहाँ पे आपको पता चलेगा। तो उस रास्ते पे भी इस गाड़ी मेरी गाड़ी ने काफ़ी साथ दिया मेरा। अब पीछे देखो स्नो कैप्ड माउंटेन्स, हाँ। तो एक्चुअली मैं आपको यहाँ पे, आप सोचे होगे कि इतने नीचे क्यों आ गया नदी के, मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देने आया था। ये बेसिकली स्पीति नदी नहीं है, ये है पिन नदी। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको आपको ये इन्फॉर्मेशन अगर सही करना है तो एक अलग तरीके से किया जाए, नदी के पास से आ जाए और वहाँ से आपको दिखाया जाए कि ये पिन नदी है कैसी। मतलब आप अगर हाथ में पानी उठा लो तो ऐसा लगेगा कि आप बर्फ उठा रहे हो। ये देखो, इससे ज़्यादा करीब जाने की हिम्मत नहीं है नदी के, काफ़ी करीब है हम लोग। खैर अभी चलते हैं हम लोग मोनेस्ट्री की तरफ है, पिन पिन मोनेस्ट्री, वो इसी तरफ वाले रास्ते में आई चली जाए। तो आपको पता चलो हम मोनेस्ट्री पहुंच चुके हैं, और आप अगर मेरे पीछे देख पा रहे हो तो यही मोनेस्ट्री है ये जो है, और ये मोनेस्ट्री का गेट है ये वाला, ये जो है। तो अब अंदर जाएंगे, देखा जाएगा कि कैसा है मोनेस्ट्री, क्योंकि पिन वैली तो अपने आप में काफ़ी खूबसूरत है, लेकिन हाँ यहाँ तक पहुँचने का जो रास्ता था वो बहुत ही ख़राब। मतलब आप कह लो कि मुझे वो मनाली टू स्पीति वाला जो गाजा वाला जो रूट है वो उसकी याद दिला दी उस रास्ते ने। तो खैर अब यहाँ आए हैं तो खूबसूरत नज़ारे का लुत्फ उठा सकते हैं, और मैं आपको अपनी गाड़ी दिखाना चाहता हूँ, मेरी गाड़ी का क्या हालत हो रहा है। चलिए ये देखिए मेरी गाड़ी क्या हालत हो रखा है। तो देख सकते हैं कि गाड़ी का इतना बुरा स्थिति जो हुआ है, ये बेसिकली रास्ता नहीं होने की वजह से। मेरे बोलने का मतलब ये है कि ये जो रास्ता है वो चारों तरफ से कीचड़ है, आप देख सकते हैं कीचड़ वगैरह का रास्ता है, पूरा रास्ता कीचड़, ऐसे ही कीचड़ कीचड़ है पूरा रास्ता। और ये सामने में खुंगरी गांव है, खुंगरी या खांगरी कुछ ऐसे ही गांव कहते हैं, तो ये गांव है। तो वो भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले हम लोग चलते हैं मोनेस्ट्री, ये वाले मोनेस्ट्री में जहाँ के लिए जिस चीज़ के लिए हम लोग आए हैं। चलिए
तो मोनेस्ट्री तो हम लोग पहुँच गए, लेकिन एक बात आपको बता दूँ, जो आप लोग आने वाले समय में यहाँ प्लान करने वाले हैं तो इस जगह पर अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि ये अक्टूबर लास्ट से या यूँ कही कि नवंबर फर्स्ट वीक से ये बंद होने वाली है मोनेस्ट्री। और इस मोनेस्ट्री की खासियत बात की जाए तो ये 8th सेंचुरी में ये मोनेस्ट्री में वो इस मोनेस्ट्री में लगभग 200 मॉन्क्स रहते हैं जो ठंड आने पे वो नीचे चले जाते हैं नीचे घाटियों में, क्योंकि यहाँ पर ये बहुत ऊंचाई पे होने के कारण से यहाँ पे काफ़ी ठंड पड़ती है, जिस कारण से मॉन्क्स को नीचे भेज दिया जाता है, मॉन्क्स नीचे चले जाते हैं। तो अब चलते हैं, चल के देखते हैं। और हाँ, इस मोनेस्ट्री को बता दूँ, इस 8th सेंचुरी मोनेस्ट्री में कुछ एक न्यू स्ट्रक्चर्स भी हैं जिसको 14वें दलाई लामा ने बनाया था। तो आइए चलते हैं। काफी खूबसूरत है, मैं कंपेयर तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एटलीस्ट इसका जो आउटर पोर्शन है वो की मोनेस्ट्री से थोड़ा सा ज्यादा अच्छा है मुझे लगा इन पर्सन। तो आइए थोड़ा सा देखते हैं, हालांकि अंदर में फोटोग्राफी अलाउ नहीं होता है। ये देखिए, वैसे मैं आपको एक ओवरव्यू दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अंदर ये दिख कैसा रहा ये मोनेस्ट्री। तो मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको कुछ बताऊंगा मोनेस्ट्री के बारे में। जब हम आ रहे थे तो हमें एक लेडी मिली थी, वो अपने बच्चे को मोनेस्ट्री में छोड़ने जा रही थी, तो उसने लिफ्ट मांगा, हमने लिफ्ट दे दिया उसे। तो उसने बताया कि हर घर से दूसरा बच्चा जो होता है वो मॉन्क बनता है। तो ये काफ़ी थोड़ी सी हैरानी वाली बात थी, मतलब अगर आपके यहाँ आप एक बच्चा है तब तो नहीं, लेकिन अगर आपके यहाँ दो बच्चे हैं तो दूसरा बच्चा जो होगा वो मॉन्क बनेगा। तो ये इंटरेस्टिंग जानकारी मिली। और हाँ, ऐसा नहीं है कि मॉन्क बनने के बाद वो जो है अपने घर को अपने परिवार को छोड़ सकते हैं, नहीं, वो अपने परिवार से मिलने भी जाते रहते हैं। और बताया था कि क्लास 3 के बाद या शायद क्लास 5 के बाद मॉन्क बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। तो जो सामने आप मॉन्क्स को देख रहे हैं, इन्होंने बताया कि ये जितने भी कमरे हैं इनमें मॉन्क्स रहा करते हैं। ये हालांकि लिखा हुआ गेस्ट रूम है, लेकिन रहते इसमें मॉन्क्स हैं। और जब मैंने पूछा क्या मैं आके रह सकता हूँ यहाँ पर, तो इन्होंने बताया कि हाँ आप रह सकते हैं, लेकिन अभी नहीं, आपको इसके लिए 1 से 1.5 साल का वेट करना होगा, तब आप आकर के इन जगहों पे रह सकते हैं। क्योंकि पीछे की तरफ इन्होंने बताया कि कुछ कमरे बन रहे हैं जो गेस्ट के लिए ही रहेंगे वो, तो होप तो कि अगर वो बन जाता है तो आप और हम जैसे कोई आम लोग भी इस खूबसूरत वादियों के बीच में आ करके रह सकते हैं। और हाँ, यहाँ पे अगर आपको रहना होगा तो इसके लिए कोई पैसे नहीं देने होते हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, डोनेशन आप दे सकते हैं जो भी आपको सही लगे। तो आपसे एक इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूँ, वहाँ पे जो मॉन्क्स आपको मैंने दिखाया था, उन्होंने बताया कि जो मोनेस्ट्री में हम अभी वहाँ पे मौजूद थे उसमें, वो मोनेस्ट्री बेसिकली न्यूली बिल्ट है और उससे ज़्यादा पुरानी ये मोनेस्ट्री है, ये जो आप देख रहे हैं ये मोनेस्ट्री। और सबसे ज़्यादा पुरानी जो 8th सेंचुरी की मोनेस्ट्री है वो इन रास्तों से होकर के जाती है मोनेस्ट्री। तो हम लोग जा रहे हैं अभी वही 8th सेंचुरी वाले मोनेस्ट्री में, देखते हैं वो मोनेस्ट्री खुली हुई है या नहीं खुली हुई है। तो चलिए देखते हैं। तो जो मेरे पीछे आप मोनेस्ट्री देख रहे हैं ये वाली, ये हाँ, ये मोनेस्ट्री जो है ये 8th सेंचुरी की है। और मज़े की बात ये देखिए, हालांकि मोनेस्ट्री बंद है अंदर, आपको ऐसे मोनेस्ट्री के अंदर तो कोई फोटोग्राफी प्रोहिबिटेड होता है, लेकिन मज़े की बात ये देखिए, ये पूरी जो मोनेस्ट्री है ये मठ से बनी हुई है और 8th सेंचुरी से लेकर अभी तक की मोनेस्ट्री टिकी हुई है। ये देखिए, अगर आप देख पा रहे हो तो ये पूरी जो मोनेस्ट्री है मड से बनी हुई है, देख रहे हैं मड और हे। तो इसी खूबसूरत घाटी के बीच से वक्त हो गया है वीडियो को रैप करने का, और
जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप इस मॉनेस्ट्री में आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं, बेशक आ सकते हैं, लेकिन अगले साल से, क्योंकि नवंबर महीने से 2 महीने के लिए मॉनेस्ट्री बंद होने वाली है। और साथ में अगर आप रहने के लिए यहाँ पे रहना चाहते हैं तो उसमें साल भर कम से कम लगेंगे। और अगर आप इस जगह पे आना चाहते हैं कैंपिंग के इच्छा से, तो आप समर सीजन में आप आइए। इसीलिए समर सीजन में आप आइए क्योंकि यहाँ पे अभी आप देख रहे हैं अभी अक्टूबर के महीने में ही बर्फ गिरी हुई है, तो आप 1 महीने 2 महीने बाद अगर आप आते हैं तो आपको बर्फ मतलब 1 फीट ऊपर तक बर्फ रहेगी। तो इसलिए मेरा ये कहना रहेगा कि समर सीजन में आप आइए कैंपिंग की, क्योंकि कैंप बहुत सारे रास्ते मैंने कैंप के बोर्ड भी देखे हैं। तो आप आए यहाँ पे अगले साल आए। तो कैसा लगा मेरा आपको ये ब्लॉग? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक बाय बाय।